अरे मामा बात क्या हैंगी, आज तुम्हारे पिताजी छुट्टी पर हैंगे क्या? हाँ तभी तो आज पिताजी के किस्से नहीं सुना रहे हो। क्या बात है मामा, बहुत गहरे गड्ढे में घुस के कुछ सोच रहे हो? अरे गहरे गड्ढे में तो पिताजी घुसते थे, लेकिन मामा आज तुम घुसे हुए लग रहे हैंगे। हाँ क्योंकि हम सोच रहे हैं, और हम इसलिए सोच रहे हैं क्योंकि हमारे पास दिमाग है, और हमारे पास इसलिए दिमाग है क्योंकि हम एक महान पिताजी के संतान हैं। पिताजी छिलके थे और हम उनके केले, पिताजी निकल लिए हम रह गए अकेले। चलो अब हम अकेले में ही जाके सोचते हैं। लेकिन मामा ये तो बताते जाओ क्या सोच रहे हैंगे? अब तुम सोचोगे हम क्या सोच रहे हैं, क्योंकि हम जो सोच रहे हैं वो सोचने के लिए सोच रहे हैं, और हम जो सोच रहे हैं अगर वो हमने सोच लिया तो तुम सोच भी नहीं सकते कि फिर क्या होगा। बड़े जोरों की भूख लगी है, कहाँ बचा है? अरे ललन जी, ललन जी। हाँ। कहाँ बचा है बताइए। हम तो किसी ने कहा ही नहीं। हम कह रहे हैं बताइए कहाँ बचा है। कितना चाहिए? छह। नहीं अभी छह नहीं बजे। अरे मौसी रसगुल्ले खाओगी? रसगुल्ला कहाँ से लाए हैं? शहर से लाए हैं। कहा है कि कोनो हम ऐसा वैसे आदमी तो है नहीं, PWD में काम करते, PWD में तो PWD के काम से हम शहर गए थे, वही जो है ना राम टहलू हलवाई के प्रसिद्ध रसगुल्ले खरीद के लाए बिंदुमती के लिए। हाँ तो बिंदुमती को खिलाओ, है खिलाओ बिंदुमती को। हम तो किसी ने कहा ही नहीं। हम कह रहे हैं खिलाओ। हाँ अरे मौसी हम उसको तो खिला देंगे, लेकिन कहा है ना कि एक तुम भी खाओ चख के देखो, और एक हम भी चख के देखते हैं। क्या है ना कि राम टहलू हलवाई की दुकान के जो ये रसगुल्ले है ना बहुत ही मीठे और बहुत ही रसेदार होते हैं। तो कहा है कि देखो इसको ऐसे निकालते हैं हाथ में, ऐसे थोड़ा सा रस जो है ना निचोड़ लेते हैं, बहुत रसेदार है, और फिर मुंह खोलते कहते ऐसे ऐसे गप्प के नहीं खा लिया। मुंह में घुल गया। हाँ तो पूरा का पूरा मुंह जो है ना वो रस से घुल गया। बहुत मीठे हैं। तुम ये खा के देखो ना, चखो ना। नहीं नहीं कोनो जरूरत नहीं है, है बिंदुमती के लिए लाए हो, है आपने चख लिया बस हो गया। कहा है हम सुबह से मालपुए खाए हैं, रबड़ी खा के बैठे हैं, पेट भर गया है। जाइए आप जाइए, बिंदुमती इंतजार कर रही होगी, हमें बहुत काम है ललन जी, जाइए। ललन जी जाइए। हम तो किसी ने कहा ही नहीं। रसगुल्ले खाने के लिए किसी ने कहा था? खा लिए हो गप से हमरे सामने, है कि नहीं? बिंदुमती के लिए लाए हो, खिलाओ जाओ, हम कह रहे हैं जाओ। अब जाते हैं मौसी, ये खा जाइए, बिंदुमती को खिलाइए, हम ना है, है? बाद में खा लेते हैं। ओ हमरे समोसा का, हमरे कचौरी। कितना दिन हो गया तुम हमका सिनेमा लेके नहीं गए? सिनेमा? हाँ सिनेमा। अरे सिनेमा के नाम से तो ऐसे बिलबिला रहे हो जैसे समोसे के अंदर आलू नहीं मूंग की दाल का हलवा भर दिए हो। ओ हमरे बालू साई, ले चलो ना हमका सिनेमा। अरे हमरी जलेबी, हम तुमको सिनेमा दिखाने ले गए तो दुकान का होगा? और आज ये पुदीना भी नहीं आया है। देखो अगर तुम ना किए ना तो सोच लेना हम तुम्हारा का हाल करेंगे। देखो ना कितना अच्छा खेला लगा है गंगोत्री, ले चलो ना। गंगोत्री? अरे तुम यहाँ रोज गंगोत्री देखती हो? कहाँ? अरे जब तुम हमारी धुलाई करती हो तो हमारी आंखों से गंगोत्री नहीं बहती है? कहाँ? अरे कुछ नहीं हमारी मठरी। अरे ले जाओ घर अपनी एक गठरी, हम सिनेमा देखने नहीं चलेंगे। ऐसा? तब देखो तुमको चखाते हैं मजाक का ऐसा। क्या कर रही हो हमारी मिर्चा पकौड़ा? अरे हम पर तरस खाओ, हमको छोड़ दो, नीचे उतार दो। पहले कहो कि हमको 6-9 वाला सो ले जाओगे कि नहीं। ले जाएंगे। लो देखो हम एकदम 6:15 लाली पाउडर लगा के एकदम कटरीना के बन के आ जाएंगे दुकान पर। हाँ तब तक हमरे सलमान तुम तलो समोसा। हाँ चल।
समझ में नहीं आ रहा है कि हम क्या करें। आखिर ऐसी कौन सी युक्ति लगाएं कि सुनीली अपना उपवास तोड़ दे और दीदी खुश हो जाएं। वैसे दीदी सही कहती हैं कि सुनीली और बिजी की शादी नहीं होनी चाहिए। वैसे शादी तो पिताजी की नहीं हुई थी। खैर, हम सोचते हैं कोई ना कोई तो रास्ता निकल ही जाएगा। ये क्या कह रहे हैं भैया? अब बिल्कुल सही कह रहे हैं। सही क्या कह रहे हैं? शादी के लिए लड़की देखने जा रहे हैं, हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। अबे यार गुड्डू, पापा कसम एकदम बैल के बैल रहोगे। अबे लड़की देखने नहीं जा रहे हैं, खुद को रिजेक्ट कराने जा रहे हैं गुड्डू। मतलब ये कि पापा कसम लड़की वाले हमारे यहाँ आने वाले थे, लेकिन लड़की की माँ के पैर में मोच आ गई, इसलिए वो नहीं आ पाए। तो हमारे पापा ने बोला आप तुम चले जाओ। हाँ हाँ, वही तो हम कह रहे हैं, यहाँ भाभी आपसे शादी के लिए रख रही है उपवास और आप कर रहे हैं बकवास। अबे बकवास हम नहीं कर रहे, तुम कर रहे हो। बात समझने की कोशिश करो, हम यहाँ से जाएंगे, वहाँ जाके रायते फैलाएंगे, अपने आप को रिजेक्ट कराएंगे, लड़की वाले हमको अपने घर से क्या पूरे गांव से बाहर निकालेंगे, फिर हम वापस आ जाएंगे। अरे वाह भैया, ये तो हमने सोचा ही नहीं था। सोचोगे जब दिमाग होगा ना। अच्छा चलिए, दिमाग वाली बात कर रहे हैं, ये बताइए आप लौटिएगा कब? अबे पहले जाने दोगे तब तो लौटेंगे। अबे समझने की कोशिश करो यार गुड्डू, दो तीन दिन तो लग ही जाएगा। वहाँ जाएंगे, एक दिन का सफर है, उसके बाद जाके रायते फैलाएंगे, उसके बाद वो लोग हमको लात मार के बाहर निकालेंगे, तब हम यहाँ पे वापस आएंगे। तो दो तीन दिन तो लग ही जाएंगे ना यार। लेकिन भैया अगर सुरीली भाभी ने हमसे पूछा तो हम क्या कहेंगे? देखो ऐसा है कि अगर सुरीली पूछे तो ये मत कहना कि हम लड़की देखने गए, कह देना कि हम अपनी लाख डिग्री के सिलसिले में दो दिन के लिए शहर गए। ओके, बहुत सवाल पूछते हो, जल्दी से जो है हमको बस स्टैंड तक छोड़ो और 100 रुपए निकालो। 100 रुपया क्यों? अब यार समझने की कोशिश करो, सुत्ती लाल थोड़ी ना मिलेगा वहाँ पे। अबे समोसा चाय खाएंगे पियेंगे तो पैसे होने चाहिए ना भाई। अच्छा लड़की देखने आप जाइए और पैसे हम दें। अबे यार गुड्डू, पापा कसम बात समझने कुछ करो, उम्र में तुम हमसे बड़े हो तो पैसे तुम दोगे ना। चलिए चलिए। अबे कैसे लेके जा रहे हो? अबे सुन तो लो, अबे बैठे तो दो। का मजा है, हाँ चक्कर आ रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। बनवारे ये जो घड़ी जो है, आज 6 बजा है ना? हाँ मौसी, उसमें तो 6 बज रहे हैं। हाँ इसका मतलब है सुरीली का उपवास पूरा हो गया जो उसने उसके और बीजी की शादी होने के लिए किया था। कोई बात नहीं, हमारा भी उपवास पूरा हो गया है जो शादी ना होने के लिए हमने किया है। देखते हैं किसकी मनोकामना पूरी होती है। सुरीली ने सुबह से कुछ खाया नहीं है, खिला देना चाहिए। कहाँ चली गई है? ए बेटी सुरीली, अच्छा बेटा, ए बेटा कहाँ है? सुबह से कुछ खाया नहीं, कुछ खा लो। है अब हम आउट हैं। हाँ हमें पता है पेट में दर्द है, फिर भी कह रहे हैं सुबह से तुमने कुछ खाया नहीं है। बेटा शाम के 6 बज गए हैं, पेट में कुछ गया नहीं है। ये देखो घड़ी में देखो। रोजी तो बचते हैं। इतना क्या गोभी के फूल की तरह खिल गई हो? क्या बात है? भूख लगी है? तुम्हारे पेट में दर्द है? क्या कमाल हो गया है सुरीली, है 6 बज गए हैं, तुम्हारे पेट का दर्द चला गया है, हमारे भी पेट का दर्द चला गया है। हाँ चलो दोनों मिलके पकवान खाते हैं। खाओगे? आ जाओ आ जाओ, हाँ आ जाओ। हेलो, हाँ खा लो, हमारे हाथ से खा लो। ये भी खाओगे? खाओ खाओ खाओ, कैसा बना है? ये खाओगे? मौसी का खा रही हो? वो भी अकेले अकेले है। अकेले अकेले का है मिर्चा, हाँ मालपुए खा रहे हैं। आ जाओ खा लो, आ जाओ आ जाओ। आप थोड़ा सा चख लेते हैं। हाँ, ऐसे भी ना हम सवेरे से कुछ खास खाए नहीं है। हाँ, बस 10 पराठा, 5 समोसा, 5 कचौरी और 1 जलेबी, बस इतना ही खाए हैं। अच्छा खोगी, देखो छोड़ो।
और दे जरा है। नहीं नहीं, हम ये खाने थोड़े ना आए थे। है तुम तो पाउडर लेने आए थे, हमारा खत्म हो गया है। हाँ हाँ, दे दो पाउडर, दे दो। अरे खा नहीं जाएगी पाउडर, है मुंह पे लगाएगी, जाओ जाओ। पाउडर लगा के कहीं घूमने जाना है का है? हाँ, इसीलिए तो और नहीं खा रहे हैं। वो कहा है ना, सिनेमा का इंटरवल में भी तो खाना है। अकेला देखने जा रही है मिर्चा। कहा है कि आज शाम को हमरे ही हमको सिनेमा दिखाने ले जा रहे हैं, 6 से 9 का शो है। और अरे हमको देर हो रही है, हम अभी तक तैयार भी नहीं हुए हैं। 6 से 9 का खेला? हाँ 6 तो बज चुके हैं। अरे नहीं, अभी कहाँ, अभी तो 5 ही बज रहे हैं। है? अच्छा हम चलते हैं, हमको देर हो रही है। 5 बजा है। आके बताएंगे खेला में क्या हुआ है। ले लो। दीदी हैं? सुरीली ने खाना खा लिया। हाँ खा लिया। भांग ने तुरा खा लिया होगा, नाच खा रहे हो। अरे दीदी हमने देख लिया, आगे सुरीली ने खाना खा लिया है और सुरीली का उपवास टूट गया है। दीदी मुबारक हो, आखिर हमने सुरीली का उपवास तोड़वा ही दिया। हमें मालूम था, जब उस मंदिर में तुम बाबा से उपवास के बारे में पूछ रही थी ना, तो हमने सब सुन लिया। हमने और दीदी ने मिलकर आपस में योजना बनाई कि तुम्हारा उपवास कैसे तोड़वाया जाए और तुम्हारी शादी बीजी पांडे के साथ ना हो। इसीलिए दीदी ने इतने सारे पकवान बनाए हैं कि जब तुम इन्हें देखोगी तो ललचाओगी और खा लोगी और तुम्हारा उपवास टूट जाएगा। इसीलिए तो दीदी तुमसे खाने की इज्जत कर रही थी। देखो सुनो, अरे तुमसे खाली पेट है इसलिए दर्द कर रहा है, थोड़ा चख लेगी तो दर्द ठीक हो जाएगा। जिद की जलेबी मत तलो, चलो चखो। और बेटा सुरीली बिटिया, हमें तो ये भी मालूम था कि तुमने शाम के 6 बजे तक उपवास रखा है ताकि तुम्हारी शादी बीजी पांडे के साथ हो जाए, लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम है कि दीदी ने भी शाम के 6 बजे तक उपवास रखा है जिससे कि तुम्हारी शादी बीजी पांडे के साथ ना हो। हमने नहीं खाया। आहा, तुम भूखी और हम खाए, ऐसे कैसे हो सकता है? दीदी देखा, हमने आखिरकार सुरीली का उपवास तोड़वा ही दिया। अरे 6 तो अभी बजे ही नहीं है, अभी तो सिर्फ 5 ही बजे हैं। हाँ, अरे डिलाइट सिनेमा के ऊपर जो घड़ी लगी है ना, हमने उसे 1 घंटे आगे कर दिया, क्योंकि जब उसमें 5 बजे थे तो हमने उसमें 6 बजा दिए और हमें पता था। अरे दीदी तुम या सुरीली वो घड़ी जरूर देखोगी और सुरीली ने वो घड़ी देख ली, उसे लगा के 6 बज गए, इसीलिए उसने खाना खा लिया, उसका उपवास टूट गया। वैसे उपवास में ज्यादातर लोग घड़ी देखते हैं। दीदी हमने ठीक किया ना? ठीक किया हो? सुरीली का उपवास तोड़वा दिए हो, उसके साथ साथ हमरा भी उपवास तोड़वा दिए हो। ओहो। अरे दीदी ये तो हमने सोचा ही नहीं। ओहो, तो दिमाग के गज्जे हो गधे कहीं के। अरे गधे तो पिताजी थे। अरे सुरीली कहाँ गई है? अरे अरे सुरी, अरे अरे सुरीली बिटिया। अरे क्या हुआ मौसी? हम बता रहे हैं, देखो भाग गई है।
सुरीली को। चुटू क्या कर दिए हम तुम देखो। अरे हमने क्या किया, यही तो तुम चाहती थी। अरे मामा हुआ क्या है, रुईली ऐसे टांडो काहे कर रही है? हम बताते हैं, सुरीली भाभी ने आज शाम 6 बजे तक का उपवास रखा था ताकि इनकी और बीजी भैया की शादी हो जाए। बीजी भैया जब भी शहर जाते हैं मामा और मौसी कुछ न कुछ कांड जरूर करते हैं। नहीं, नहीं हमने कुछ नहीं किया है। हाँ तो मामा जरूर तुमने कुछ किया होगा। अरे मामा बताओ क्या किया है। अरे भाई देखो ऐसा हमसे गलती हो गई, डिलाइट सिनेमा की घड़ी में 5 की जगह हमने 6 बजा दिए, जिससे सुरीली का उपवास टूट जाए और सुरीली ने समझा कि 6 बज गए हैं, इसलिए उसने अपना उपवास तोड़ दिया। नहीं, 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 नहीं